अस्सलाम वालेकुम जी, सिदरा नसीम, डिजिटल मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को मजीद कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे अमल करके आप अपने बिजनेस को मजीद बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को समझना होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है, आया लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद कर रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे। नहीं पसंद कर रहे तो बिल्कुल सादा बात है कि आपकी जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली उसकी क्वालिटी में कोई कमी है, ठीक है। लेकिन अगर लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड है तो आप डिमांड को मजीद बढ़ा सकते हैं, आप मजीद प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में ला सकते हैं। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी का ठीक इस्तेमाल करें और दुरुस्त इस्तेमाल करें और मौका बर महल करें, ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी करें, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अपने ब्रांड की जो है वो ब्रांडिंग करें, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस रखें, स्पेशली अगर आपने खुद अपने ब्रांड को जनरेट किया है, खुद अपने ब्रांड को मार्केट में आप लेकर आए हैं तो आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ मार्केट में रहेंगे, सिर्फ आप फिजिकली बिजनेस पे रहेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो नहीं बढ़ सकता, साथ साथ उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप अपनी टीम पे फोकस करें, टीम की मैनेजमेंट पे काम करें, टीम को बेहतरीन बनाएं, उनकी डेवलपमेंट पे काम करें। टीम मेंबर जितने स्किलफुल होंगे, जितने अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपका ब्रांड, आपका बिजनेस उतना ही शानदार होगा, ठीक है। और चौथा और सबसे जो जरूरी पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप लाजमी करें, यानी ऐसा ना हो कहीं पर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, कहीं पर आप बहुत कम कर रहे हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना उसको एक बैलेंस में रखें, कहाँ पे कितना लगाना जरूरी है, कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा डिसीजन ऐसा अहम है जो कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त करना है, ये बहुत जरूरी है। प्रमोशन पे लाजमी खर्च करें, हमारे बहुत सारे लोग अपने ब्रांड को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो प्रमोशन पे खर्च नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि प्रमोशन एक बेकार चीज है। लेकिन नहीं, प्रमोशन पे आपको, अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 100% है तो 60% आपको दोबारा प्रमोशन पे खर्च करना चाहिए, 40% आपको दोबारा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रमोशन होगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, लोग उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, पसंद करेंगे, ठीक है। तो इन स्टेप्स पे आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा।